अष्टम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर गोरखनाथ मंदिर के दिग्विजयनाथ स्मृति भवन सभागार में लोगों ने योगाभ्यास किया तथा शिविर में योग प्रशिक्षुओं, गोरखनाथ मंदिर के अधिकारी कर्मचारी, संस्कृत विद्यापीठ के आचार्य, छात्र, जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश, गोरखपुर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष प्रेम रंजन सिंह, एडीजी जोन अखिल कुमार, एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा, मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह, द्वारिका तिवारी व वीरेंद्र सिंह सहित अन्य अधिकारी भी योग शिविर में उपस्थित रहे। योगाभ्यास का कार्यक्रम प्रातःकाल 5:30 बजे से गुरु गोरखनाथ योग संस्थान के योग प्रशिक्षक योगी सोमनाथ के योगाभ्यास में प्रारंभ हुआ। प्रातःकाल 6:40 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मैसूर से ऑनलाइन जुड़े योग प्रशिक्षु ने उनके अभिभाषण के बाद अनंतर उनके साथ योगाभ्यास कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया, जिसके संबंध में गोरखनाथ मंदिर के प्रभारी द्वारिका तिवारी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संचालित आज पूरा देश योगा दिवस मना रहा है। कहा, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर गोरखनाथ मंदिर परिसर में भी योग किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि मंदिर परिसर में प्रतिदिन योगा का कार्यक्रम होता है। हमारे शारीरिक बीमारियों तथा पूरे दुनिया में विभिन्न प्रकार की बीमारियां फैल रही हैं, इसको दूर करने के लिए योग ही एक महत्वपूर्ण माध्यम है। योग करने से शरीर के हर प्रकार की बीमारियां दूर हो सकती हैं। वहीं अपर मुख्य सचिव आवास नितिन रमेश गोकर्ण ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर गोरखनाथ मंदिर में योगा के कार्यक्रम में योगा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस का संदेश हर जगह बढ़ता जा रहा है और पूरे विश्व से हर एक व्यक्ति इस अभियान से जुड़ रहा है और योग के माध्यम से जीवन शैली और स्वास्थ्य के सुधार में पूरा विश्व अग्रसित हो रहा है। व जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस का उद्देश्य है कि हम अपने जिंदगी के भाग दौड़ में अपने स्वास्थ्य का देखभाल सही ढंग से नहीं कर पाते हैं और दवा डॉक्टर के चक्कर में रहते हैं। अगर हम लोग योग करते हैं तो जरूर स्वस्थ रहेंगे। योगा हम सभी को हर रोज करना चाहिए। कार्यक्रम के अंत में अपर मुख्य सचिव आवास नितिन रमेश गोकर्ण को एडीजी जोन अखिल कुमार तथा गोरखनाथ मंदिर के प्रधान पुजारी योगी कमलनाथ द्वारा स्मृति चिन्ह के रूप में भगवान बुद्ध की प्रतिमा भेंट किया गया। इसके पूर्व योग प्रशिक्षुओं को प्रमाण पत्र भी दिया गया। इसी के साथ ही साप्ताहिक योग शिविर का समापन भी हो गया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए गोरखनाथ मंदिर के प्रभारी द्वारिका तिवारी और जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश एवं अपर मुख्य सचिव आवास नितिन रमेश गोकर्ण ने कहा, महायोगी गुरु गोरखनाथ योग संस्थान एवं फल होने जा रहा है। धीरे से कहेंगे, थोड़ी को कंठ को से लगाएंगे, पुनः सांस लेते हुए गर्दन को ऊपर की ओर ले जाएं, सांस भरते हुए सामान्य स्थिति में जाएं। इसके बाद सांस भरते हुए फिर राइट की तरफ जाएं, सांस छोड़ते हुए कमलनाथ जी महाराज हैं, आप उन सभी उन आप श्री का राइट की तरफ जाएं, सांस भर पुनः आ जाए सामान्य स्थिति में, सांस भरते हुए इसके बाद सांस भरते पुनः वापस आ जाएं। 3 बार इस प्रक्रिया को दोहराना है। पुनः सांस छोड़ते हुए दोनों पैरों को घुटने से मोड़ लें। इसके ताड़ासन का अभ्यास करेंगे तो इससे आपका बैलेंस बन जाएगा। नितंब के नीचे दबा दें, हिप से नीचे बटक के नीचे दबा दें, फिर लेफ्ट पैर को घुटने से मोड़ें, बटक के नीचे दबा दें और दोनों हाथों के अतिरिक्त घुटनों पर रख दें। इन लोगों को हारने की समस्या है, पेट में कोई इंजरी हुई है, एब्डोमिनल इंजरी या आर्थराइटिस या वर्टिगो, कोई भी स्टाइल जो जबरदस्ती का विषय नहीं होता है,
आभार व्यक्त करता हूँ, आपने भी साहित्य को सफल बनाने में मुझे अधिक सहायता की। इसीलिए ज्ञान प्रकाशन में बैठे हैं, कपाल भाती करने के लिए पद्मासन पद्मासन में बैठे हैं, कभी सुखासन में जिसे तीस के दौरान उसमें करना है, इसको फोर्सफुली सांस को बाहर की ओर छोड़ना है, अभ्यास करें मन को धीरे में, लंबी खेती हो जाएगी। और कपाल भाती प्राणायाम का एक अंग नहीं है, ये शरीर की शोधन के लिए योगी शट कर्म स्वामी जो गुरु गोरखनाथ जी ने अपनी तपस्या से इस संसार के रुक जाए विश्राम करने शिवा समाभ्यास करें। सांस्कृतिक राजधानी अध्यात्म और योग की धरती मैसूर को प्रणाम करता हूं। मैसूर जैसे भारत के आध्यात्मिक केंद्रों ने जिस योग ऊर्जा को सदियों से पोषित किया, आज वो योग ऊर्जा विश्व स्वास्थ्य को दिशा दे रही है। योग वैश्विक सहयोग का पारस्परिक आधार बन रहा है। आज योग मानव मात्र को निरोग जीवन का विश्वास दे रहा है। हम आज सुबह से देख रहे हैं कि योग की जो तस्वीरें कुछ वर्ष पहले केवल घरों में आध्यात्मिक केंद्रों में दिखती थी, वो आज विश्व के कोने कोने से आ रही है। ये तस्वीरें आत्मिक बोध के विस्तार की तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें एक सहज स्वाभाविक और सांझी मानवीय चेतना की तस्वीरें हैं, खासतौर पर तब जब दुनिया ने बीते दो सालों में सदी की इतनी बड़ी महामारी का सामना किया। इन परिस्थितियों में देश द्वीप महाद्वीप की सीमाओं से ऊपर योग दिवस का ये उत्साह, ये हमारी जीवटता का भी प्रमाण है। योग अब एक वैश्विक पर्व बन गया है। योग किसी व्यक्ति मात्र के लिए नहीं, संपूर्ण मानवता के लिए है। इसलिए
इस बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम है योगा फॉर ह्यूमैनिटी। मैं इस थीम के जरिए योग के इस संदेश को पूरी मानवता तक पहुंचाने के लिए यूनाइटेड नेशंस का और सभी देशों का हृदय से धन्यवाद करता हूं। मैं दुनिया के सभी नागरिकों का भी सभी भारतीयों की तरफ से अभिनंदन करता हूं। साथियों, योग के लिए हमारे ऋषियों ने, हमारे महर्षियों ने, हमारे आचार्यों ने कहा है, शांतिम योगेन विंदति। इट मीन्स योगा ब्रिंग पीस फॉर अस। द पीस फ्रॉम योगा इज नॉट ओनली फॉर इंडिविजुअल्स, योगा ब्रिंग पीस टू अवर सोसाइटी, योगा ब्रिंग पीस टू अवर नेशंस एंड वर्ल्ड, एंड योगा ब्रिंग पीस टू अवर यूनिवर्स। दिस माइट फील एन एक्सट्रीम थॉट टू समवन, बट अवर इंडियन सेजेस हैव आंसर्ड दिस विद अ सिंपल मंत्र। कॉमन कॉन्शियसनेस एंड कंसेंसस, मिलियंस ऑफ पीपल विद इनर पीस विल क्रिएट एन एनवायरमेंट ऑफ ग्लोबल पीस। That's how yoga can connect people. That's how yoga can connect the country. And that's how yoga can become a problem solver for all of us. साथियों, भारत में हम इस बार योगा दिवस हमें एक ऐसे समय पर मना रहे हैं जब देश अपनी आजादी के 75वें वर्ष का पर्व मना रहा है। योग दिवस की ये व्यापकता, ये स्वीकार्यता भारत की उस अमृत भावना की स्वीकार्यता है जिसने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को ऊर्जा दी। इसी भावना को सेलिब्रेट करने के लिए आज देश के 75 अलग अलग शहरों के 75 ऐतिहासिक स्थलों के साथ ही अन्य नगरों के लोग भी ऐतिहासिक स्थानों पर योग कर रहे हैं। जो ऐतिहासिक स्थान भारत के इतिहास के साक्षी रहे, जो स्थान सांस्कृतिक ऊर्जा के केंद्र है, वो आज योग दिवस के जरिए एक साथ जुड़ रहे हैं। इस मैसूरु पहले का भी इतिहास में अपना एक विशेष स्थान है। भारत के ऐतिहासिक स्थलों पर सामूहिक योग का अनुभव, भारत के अतीत को, भारत की विविधता को और भारत के विस्तार को एक सूत्र में पिरोने जैसा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हमने इस बार गार्डियन रिंग ऑफ योगा, गार्डियन रिंग ऑफ योगा का ऐसा ही अभिनव प्रयोग आज पूरे विश्व में हो रहा है। दुनिया के अलग अलग देशों में सूर्योदय के साथ, सूर्य की गति के साथ लोग योग कर रहे हैं, योग से जुड़ रहे हैं। लाइफ नहीं है बल्कि योग अब वे ऑफ लाइफ बन रहा है। योग के साथ शुरू हो, इससे पहले के बड़े हमारे योग साधक दिन के अलग अलग समय में प्राणायाम करते हैं। कई लोग अपने ऑफिस में भी काम के बीच में कुछ देर दंडासन करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में आज गोरखपुर में योग दिवस के कार्यक्रम में
यहाँ पर गोरखनाथ मंदिर में जो कार्यक्रम आयोजित हो रहा है उसमें शामिल होने का सौभाग्य मिला है। मैं समझता हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का जो संदेश है वो अभी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और हर व्यक्ति भारत का ही नहीं पूरे विश्व का इससे जुड़ रहा है और योग के माध्यम से अपनी जीवन शैली में सुधार और स्वास्थ्य में सुधार की ओर पूरा विश्व अब अग्रसरित हो रहा है। आपको योग दिवस की सबको बहुत बहुत बधाई है, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज एक दिवस है, पूरा भारतवर्ष ही नहीं विश्व मना रहा है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा यह संचालित यह कार्यक्रम हो रहा है। आज गोरखनाथ मंदिर में भी यह कार्यक्रम योग दिवस के अवसर पर किया जा रहा है। यहाँ पर सप्ताह पर्यंत से हो रहा है यह कार्यक्रम। वैसे यहाँ पर गोरखनाथ मंदिर में प्रतिदिन यह कार्यक्रम होता है। योग हमारे शारीरिक बीमारियों को दूर करने के लिए माध्यम है। आज पूरा विश्व योग की तरफ झुका हुआ है, सारे लोग कर रहे हैं ताकि ये नाना प्रकार की बीमारी जो फैल रही हैं उस बीमारी को दूर करने के लिए योग एक महत्वपूर्ण माध्यम है। भगवान गोरखनाथ जी से प्रार्थना करते हैं योग दिवस सफल हो और ये निरंतर होता रहे, हर घर में योग का प्रचार प्रसार होता रहे, यही भगवान गोरखनाथ जी से प्रार्थना है। किस तरह की बीमारी दूर होती है? हर तरह की बीमारी, कोई भी बीमारी, योग हर बीमारियों को दूर करने के लिए है। एक बीमारी नहीं, हर प्रकार की बीमारी, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए योग अच्छा माध्यम है। बेसिकली हम लोग जो योगा दिवस मनाने आए हैं, बेसिकली इसका उद्देश्य यही है कि आज के डेट में जनरली ये भागम दौड़ में हम लोग ये मान के चलते हैं, अच्छा ये बीमारी हुआ ये दवा खा लें, ये बीमारी हुआ ये डॉक्टर को दिखा लिए, बट प्रिवेंशन पे हम लोग कुछ नहीं करते। तो कुल मिला के अगर हम स्वच्छता पे ध्यान रखें, योग करें, तो डेफिनेटली हम लोग स्वस्थ रहेंगे और प्रिवेंटिव वे में जो 90% डिजीज़ है उस पर हम लोग कंट्रोल पा पाएंगे। तो इसमें बेसिकली हफ्ते भर का योगाभ्यास था और उसका आज ये कार्यक्रम है। उद्देश्य ये है कि पब्लिक रोज करे और स्वस्थ रहे। अभी जनपद में लगभग 8 लाख लोग योगा से जुड़ चुके हैं और ये फिगर बढ़ ही रहा है और आज भी काफ़ी लोग योगा में पार्टिसिपेट अलग अलग जगह कर रहे हैं। मतलब एक बार ये ऑर्गेनाइजेशन हो जाए उसके बाद हम लोग एक फाइनल आंकड़ा देने की स्थिति में रहेंगे कि हमारे पोर्टल पे हमने कितने लोगों को रजिस्टर किया। धन्यवाद।